जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा सब शुभ नाम जागे सब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम झंडोत्तोलन के इस कार्यक्रम के उपरांत पंचायत के कर्मठ समाज सेवी भाई पिंकू सिंह चंद शब्दों में आप लोगों को संबोधित करेंगे। भाई पिंकू सिंह, आज इस मनियर महादलित टोले में आज हम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मुखिया कल्पना देवी की अध्यक्षता में भोला जी के द्वारा झंडा तोलन किया गया। आप सभी पंचायतवासी ग्रामवासी टोलावासी सभी उपस्थित, आज हम लोगों के बीच एक विचार का विषय कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा जो संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। आप हम और तमाम लोग संविधान को अच्छी तरह से समझने के लिए जिस तरह से इस शरीर के लिए रीढ़ की जरूरत है उसी तरह से इस संविधान को समझने के लिए और संविधान के साथ चलने के लिए शिक्षा की जरूरत है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चे को शिक्षित करें, अपने बच्चे को पढ़ाने पर विशेष बल दें, तभी आपका विकास, हमारा विकास और समाज का विकास होगा। आप अगर अशिक्षित रह जाते हैं तो संविधान की जो मूल बातें हैं उसको आप नहीं समझेंगे और कोई ना कोई आपको आएगा ठक कर लेकर चला जाएगा, आपके अधिकार को ठक कर लेकर चला जाएगा। जब बहुमूल्य समय आता है संविधान के अनुकूल ही संविधान है, इसलिए आपको एक एक वोट का एक एक मत का आपको अधिकार है। यह संविधान ही अधिकार देता है, यह संविधान आपको जो अधिकार देता है उसमें शिक्षा की जरूरत है। आप जब शिक्षित होंगे, संविधान को समझेंगे और संविधान को समझेंगे, अपने अधिकार को समझेंगे, तो हमारा ये गणतंत्र दिवस का जो संकल्प है वो संकल्प पूरा होगा, सपना पूरा होगा। इसलिए आज हम लोग एक और महान पुरुषों के साथ तो नारा में हम अमर जोड़ते ही हैं, लेकिन एक नारा हम आपको देना चाहते हैं और पीछे से आप लोग दोहराएंगे कि शिक्षा, हम बोलेंगे शिक्षा का तो आप लोग बोलेंगे विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो। आप अभी देखिए, अभी 11 बजे आप लोग भी आइए, वहाँ पंचायत भवन पर बैठिए, आपके ही गांव ग्राम के, आपके ही बगल के विद्यालय के 5-5 मेधावी बच्चे रहेंगे, आप उनकी बातों को सुनिए, उन्होंने जो अच्छा किया है उसके लिए हम उनको सम्मानित भी करेंगे, ताकि सम्मान ही जीवन में आगे बढ़ाने का काम करता है। तब जीवन में वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और उसी में से कोई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और तरह तरह के योग्यता को प्राप्त करेंगे। आज आप संविधान के अनुकूल ही, आज यह उमेश जी का लड़का आप जानते हैं ना, बीएसएफ में जॉब हुआ,
नौकरी हुई है, इन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ा लिखा तब तो नौकरी प्राप्त किया। इसी तरह आप भी, हम काम दुनिया में काम कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, जो काम करते हैं सो करें सब पूरे मन के साथ, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा भी देने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पिंकू सिंह जी को और इस गणतंत्र दिवस के इस संक्षिप्त कार्यक्रम को अब यहाँ समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।